दोस्तों 11 दिन ये सिर्फ 3 चीज़ें खा लीजिए, पूरी ज़िंदगी शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा, पेट के रोग, मोटापा हो या दिल से जुड़ी बीमारियां हो, कभी आपको नहीं होंगी और आप सर से लेकर पांव तक निरोग हो जाएंगे इस होम रेमेडी से। दोस्तों बहुत ही पावरफुल है, बढ़िया है और बहुत ही आसान है इसे बनाना। दोस्तों बड़ी से बड़ी दिल की बीमारी से भी आप छुटकारा पा लेंगे। डायबिटिक की समस्या है तो इस होम रेमेडी से आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। जो आप लंबे समय से मेडिसिन खाते आ रहे हैं वो भी आपकी छूट जाए। दोस्तों अगर आप निरोग रहना चाहते हैं तो इस होम रेमेडी को आप ट्राई करिएगा ज़रूर से, रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। तो चलिए हम जानते हैं इसे बनाना कैसे है। दोस्तों हमें जो चीज़ चाहिए वो है मेथी दाना। सभी लोग जानते हैं ये है पम्पकिन सीड, पर इनको खाने का और बनाने का भी तरीका अलग अलग होता है। कभी भी खाने से कोई चीज़ असर नहीं करती है, सब चीज़ का खाने का एक अलग ही तरीका होता है असर करने के लिए। इसको कैसे खाया जाए तभी ये असर करेगी, इससे डायबिटीज़ बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी। दोस्तों डायबिटीज़ के कारण जो कॉम्प्लिकेशन चल रही थी उनसे आपका बचाव होगा और आपके शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल चल रहा था वो भी ख़त्म हो जाएगा और गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा से ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे आपको जो हार्ट की समस्या है यानी आपका हार्ट अटैक आने की जो समस्या है या फिर हार्ट में पेन होता है, सभी से आपका बचाव हो जाएगा। दोस्तों इस रेमेडी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। कोलेस्ट्रॉल के कारण जो बीमारियां हो जाती हैं हमारे शरीर में, जैसे कि इससे हमें हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है, हमारा वेन नर्व ब्लॉक हो जाता है, हार्ट अटैक का आ जाना, दिल से जुड़ी बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, तो इन सभी को दूर करेगा ये होम रेमेडी। और आपको बता दूं कि ये सारी बीमारियां बहुत हद तक ख़त्म हो जाएंगी इससे। तो दोस्तों इस होम रेमेडी को कम से कम 1 महीना तक ज़रूर से आप ट्राई करें, क्योंकि जो खून की सफाई है वो होनी बहुत ही ज़रूरी है और ये खून की सफाई करेगी, जो गंदे खून हैं उनको साफ़ करेगी। हमारे शरीर में जो खून गंदे हो जाते हैं उनसे भी बहुत सारी हज़ारों बीमारियाँ लग जाती हैं। तो जो घुटने का दर्द है, स्ट्रेस है, आँखों की बीमारियाँ हैं, नर्व का पेन है, नसों में ब्लॉकेज हो जाना यानी या फिर बवासीर का प्रॉब्लम हो जाना, बालों का झड़ना, स्किन में एलर्जी होना, जॉइंट पेन होना, शरीर में दर्द होना, दोस्तों जो गंदा खून होता है ना वो हमारे शरीर में नई नई बीमारियां पैदा करने लगता है। जैसे कि स्किन का प्रॉब्लम होना, चेहरे पे पिंपल आ जाना, झाइयां आ जाना, कई तरह की स्किन प्रॉब्लम होने लगते हैं। और दोस्तों जो जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम है या हार्मोनल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो ये सारी समस्याओं के जो वजह हैं वो खून की गंदा होने का ही होता है। तो ये सभी को ये ठीक करेगा, साथ ही साथ ये पेट में भी जो गंदगी हैं उनको भी ये साफ़ करेगा। पाचन तंत्र जिनकी कमज़ोर हो जाती हैं, पेट का रोग हो जाता है, पेट में गैस, एसिडिटी बनने लगती हैं, सीने में दर्द होने लगता है, और जिनको भी ज़्यादा मोटापा है, जिनका शरीर लटक रहा है, तोंद लटक रहा है, गैस, कब्ज, एसिडिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो हम उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है और वो हमारे शरीर में और नसों में, नर्व में पहुंच जाती हैं, और इसलिए हम जो ये हेल्दी फूड हमें खाना है बहुत ही ज़रूरी है। हमें हमारे शरीर को बहुत ही ज़रूरी है हेल्दी खाना खाना, फ्रूट खाना, फ्रूट का सेवन करना चाहिए। इससे हमारी जो पाचन तंत्र हैं वो मजबूत होती हैं, जो हमारा मोटापा है वो भी दूर होता है। तो इस होम रेमेडी से काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, जो कमर का चौड़ाई आपका 38 है वो 32 तक पहुंच जाएगा। लेकिन आप रेमेडी को थोड़ा लंबा ट्राई कीजिएगा, कम से कम 20 से 25 दिन उसके बाद मुझे कमेंट करके आप ज़रूर से बताएं फ़र्क हो तो, हमें अच्छा लगेगा। ऐसे 1 या 2 दिनों में ही दोस्तों आराम नहीं होता है,
अगर आंखें कमज़ोर हो गई हैं, आंखों की रोशनी धीरे धीरे जा रही हैं, तो ये आंखों को भी ठीक करता है, आंखों से भी जुड़ी हुई समस्या के लिए ये होम रेमेडी है। आपको काफ़ी हद तक इससे ख़त्म हो जाएगा जो प्रॉब्लम है। तो ये है, अभी आपको दिखाती हूँ, ये है खसखस। खसखस तो सभी जानते हैं। तो क्या है ना, इसे बनाने का तरीका आज मैं आपको बताने वाली। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिया है एक पतीला और इसमें मैं डालूँगी बिना मलाई वाला, यानी जो गाय का दूध होता है वो डालूँगी। 1.5 गिलास दूध डालूँगी मैं यहाँ पे, और इसमें दूध को थोड़ी देर के लिए गर्म करूँगी। और याद रहे, गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो पे होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ही आज बना रही हूं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 बड़े चम्मच से मैं लूँगी खसखस। और खसखस हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और देखिए हमने खसखस इसमें डाल दिया है। इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है, और जिसको उठने बैठने में दिक्कत है उनके लिए बहुत ही लाभप्रद है ये, उनकी हड्डियों को ये मजबूत बनाता है। अब यहाँ पे हम डालेंगे एक छोटे कटोरी से इसमें मखाना। मखाना आपको कोई नुकसान नहीं करेगा दोस्तों, इनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होती है, फाइबर भी होती हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। मखाने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और जिनको नस में ब्लॉकेज की समस्या है, नर्व में पेन होता है, दिक्कत होती है और कैल्शियम की कमी है, तो वो सारा कुछ इससे पूरा हो जाएगा। तो देखिए हम इसको पहले थोड़ा सा मिला लेंगे दोस्तों। तो अब इसमें हम डालेंगे लगभग 1/2 कटोरी ओट्स। ये जो है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकत लाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर होती हैं, जो हमारे पाचन तंत्र को ठीक करता है, मजबूत बनाता है और मोटापा को भी घटाता है दोस्तों। अगर आप बहुत ही ज़्यादा मोटे हैं तो इसे ज़रूर अपने खाने में शामिल करें, इसको डालें। और देखिए दोस्तों, कम से कम आपका वेट बहुत ही जल्दी, जितनी जल्दी कम समय में हो कम हो जाएगा। तो इसको धीरे धीरे ही पकाना है, लो और मीडियम फ्लेम पे इसे हमें पकाते रहना है, तेज़ फ्लेम पे इसे नहीं पकाना है। इस तरीके से कम 4 से 5 मिनट लग जाएंगे इसको बनने में। दोस्तों ये पावरफुल होम रेमेडी को आप अपने घर में बच्चों को, जवान को, बूढ़े को, किसी को भी इसे खिला सकते हैं, आप खुद भी इसे खा सकते हैं। बहुत ही पावरफुल है दोस्तों, इसमें इतने सारे प्रोटीन हैं जो हमारे बॉडी के लिए चाहिए और हमें इससे मिल जाएगा। तो दोस्तों आप देखिए, थोड़ा सा उबाल इसमें आने लगा है और ये थोड़ा सा पकने लगा है, तो इसमें अब हम मिलाएंगे। एक चुटकी भर हम इसमें हल्दी डालेंगे, जो बहुत ही अच्छा काम करेगा, हमारे शरीर में जो दर्द हैं उन सभी को ये दूर करेगा। और मैं इसको लो फ्लेम पर ही अभी पकाती रहूँगी दोस्तों, इसको मिलाते रहना है ताकि ये जले नहीं, और इसे लो फ्लेम पे ही आपको पकाना है दोस्तों। स्वाद इसका बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट होके आता है ये। इसमें आप चाहें तो आप यहाँ पे इलायची मिला दें। इलायची जिनको स्ट्रेस की समस्या है, जिनको नींद नहीं आती है, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, तो आप यहाँ पे इलायची पाउडर इसमें मिला सकते हैं। अब ये रेडी हो चुका है और थोड़ी देर के लिए दोस्तों इसमें हम और पका लेंगे इसको, और इसके बाद ठंडा करके हम इसको एक बोल में सर्व करेंगे दोस्तों। हड्डियों में जो दर्द हैं, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, सभी कुछ के लिए ये रामबन माना गया है दोस्तों। जिनको भी माइग्रेन का प्रॉब्लम है, जिनके कमर में दर्द रहता है, सर्वाइकल का दर्द रहता है, सभी के लिए ही ये रामबन है, तो इनको ज़रूर से शामिल करें। जिनको पेट में कब्ज की समस्या है वो भी दूर हो जाएगा। हमारा जो इसमें हमने जो ओट्स डाला था दोस्तों, तो वो ओट्स जो कब्ज की जिनको समस्या है वो भी ठीक हो जाएगा। और ये ओट रामबन का काम करता है वज़न कम करने में भी, कब्ज को दूर करने में, तो सारा कुछ इससे ठीक होगा। अब मैं इसमें इसको निकाल ली हूँ बोल में और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे दोस्तों। जान लेते हैं इसे खाना कब है। तो आप इसको शाम को चाय की जगह पर आप इसको ले सकते हैं। इसको खाने के बाद आपको कम से कम 3 से 4 घंटे आपको भूख नहीं लगेगी और आपका पेट भरा भरा सा रहेगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो दूर होगा और आप चुस्त दुस्त तंदुरुस्त महसूस करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट जो रेमेडी है वो है, इसमें हमने डालना है मेथी दाना और लेना है हमें पम्पकिन सीड। ये दोनों हम सभी के घर में मौजूद होता ही है। तो हमने डाला है यहाँ पे 1 बड़े चम्मच से मेथी दाना और 1 चम्मच
आपको पम्पकिन सीड इसमें पानी डालकर इसे रात भर हमें भिगोकर छोड़ देना है। दोस्तों जिनको हड्डियों का परेशानी है, जिनको हड्डियों में दर्द रहता है, इन सभी के लिए ये रामबन माना जाता है। जिनको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, जिनको नसों में ब्लॉकेज है, जिनको जोड़ों में दर्द है, तो उन सारों के लिए ये रामबन माना जाता है। तो आइए हम एक और तरीका जान लेते हैं इसे कैसे खाएंगे। तो हमने यहाँ पर लिया है एक मिक्सर ग्राइंडर, उसमें डाल लेंगे यहाँ पर पम्पकिन का सीड। पम्पकिन आप अपने हिसाब से अपने मात्रा अनुसार डाल सकते हैं। मैंने बड़ा चम्मच से एक चम्मच लिया है और बड़े चम्मच से एक चम्मच मेथी के दाने लिए हैं और दोनों को हम इसे पीस लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने इसको पीस लिया है पाउडर में। दोस्तों जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं जो हमारे शरीर को नुकसान करती हैं, जो ये होम रेमेडी हैं, ये पम्पकिन सीड हैं, ये बिल्कुल भी हमारे शरीर को नुकसान नहीं करते हैं। आप इसे आसानी से खा सकते हैं, ये एक नेचुरल चीज़ है, हमें फ़ायदा ही करेगा, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे एक पतीला लिया है और उसमें हम एक कप पानी डालेंगे, बड़े कप से पानी डालेंगे और इसमें हमने जो भी पाउडर तैयार किया है वो पाउडर को डालेंगे और इसे धीमी आंच पे ही हमें कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। जब इसमें अच्छे से ये पक जाएगा तो थोड़ा सा ये बड़े कप से छोटे कप तक इसकी क्वांटिटी हो जाएगी। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे जिनको भी हड्डियों का दर्द है, जॉइंट पेन है, उनको दूर करने के लिए। और इसको हम एक कप में निकाल लेंगे और इसको सिप सिप करके पीना है, बैठ के पीना है। दोस्तों ये कम से कम 25 दिन तक आपको पीना है इसे आराम मिलने के लिए। जितने भी दर्द की समस्या है, नसों की समस्या है, घुटनों में दर्द है, घुटनों का ग्रीस भी आ जाएगा इससे, और आप इसे किसी भी समय जब भी फ्री हों ले सकते हैं। या तो आप रात भर इसे सोख करके भी इसे ले सकते हैं, या तो आप ड्रिंक भी इसे पी सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे आप वैसा उपाय कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। शुक्रिया।